दर्शकों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का दशम भाव ये हमारे आजीविका का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है। प्रसिद्धि के लिए हम यहीं से विचार करते हैं। रिश्ते के लिए लें तो ये मदर इन लॉ एंड फादर का है। जन्म कुंडली का दशम भाव दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल दक्षिण दिशा में ही दिग्बल को प्राप्त करते हैं, दिग्बली हो जाएंगे। मंगल के दशम भाव में बैठने से एक और उच्च कोटि का राजयोग का निर्माण होता है, कुल दीपक योग। कुल का अर्थ यह है वंश, पूर्वज। दीपक यानी कुल का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने वाला। जेनरली मंगल दशम भाव में शुभ फल ही करता है, जल्द इसके नकारात्मक फल नहीं देखने को मिलते हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि मंगल दशम भाव में किस स्थिति में है। कुलदीपक योग जो दशम भाव में मंगल दिग्बल है और जो कुलदीपक योग बनेगा वो कितना प्रभावशाली होगा, क्या मंगल दशम भाव में उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, उस कुंडली के लिए कारक है, मारक है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जनरली यहाँ पर मैं मंगल का फल बता रहा हूँ। और मंगल का फल न ही तो किसी राशि और न किसी लग्न विशेष को ध्यान में रखकर फलादेश किया जा रहा है, ये यहाँ पर नीच का भी होगा, क्योंकि जो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं उन प्रश्नों का मैं सर्वप्रथम यहाँ समाधान करने का प्रयास करता हूँ। तो मान लीजिए कि मंगल जब दशम भाव में नीच का होगा तो उस स्थिति में तुला लग्न की कुंडली बनेगी, जहां पर मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है यानी प्रबल मारक है, लेकिन ये दशम भाव में गया है और वो कैसा, तो नीच का। सामान्य अर्थों में देखें तो नीच का ग्रह सबसे कमजोर माना जाता है, लेकिन मंगल दशम भाव में दिग्बल को प्राप्त होता है, यकीनन वो नीच का होगा, इसके बावजूद भी वो दिग्बली होगा। षटबल में उसे आप पहले दूसरे स्थान पर देखेंगे मंगल को उस कुंडली में। उसके बाद उसका नीच भंग हो रहा है या नहीं, चंद्रमा की स्थिति क्या कहती है, D9 नवांश चार्ट क्या कहता है, जातक को डिफेंस से रिलेटेड टेक्निकल इंजीनियरिंग इन सभी क्षेत्रों में सफलता दे देता है। इस भाव में विराजित मंगल की दृष्टि की बात की जाए तो इस भाव में विराजित मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर आएगी। लग्न हमारा व्यक्तित्व है, शरीर है, चरित्र है, रंग रूप आकार है। तो जातक का जो शारीरिक बनावट है वो दुबला पतला होगा, ज़्यादा हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। कोई भी ग्रह बैठने से ज़्यादा उसकी दृष्टि प्रभावशाली होती है। तो जातक अत्यंत क्रोधी होता है, मंगल से कुछ प्रभावित भी होगा, थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का भी होता है, गुस्सैल होता है। इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का है और खुद भी मंगल जमीन जायदाद का कारक है। हो सकता है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी थोड़ा सा पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, माँ से संबंधों को ये खराब करे, मित्र से संबंधों को ये खराब करे, लेकिन आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में सफलता देगा और जमीन जायदाद का सुख ये देर सवेर अवश्य देगा। ज़्यादातर वीडियो में तो मैंने ये बताया है कि उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी तब ही वो ग्रह अपने बलाबल के अनुसार शुभ या अशुभ फल करेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो ग्रह आएगा तभी उसका फल देखने को मिलेगा और वो जितना पावरफुल रहेगा उतना ही शुभ या अशुभ फल करता है। इसकी अष्टम दृष्टि ज़्यादा नुकसानदेह यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि ये पंचम भाव को देखेगा। पंचम भाव पेट का है, स्त्रियों के लिए गर्भाशय का भाव है, तो गर्भ जल्द ठहरने नहीं देता, जल्द संतान उत्पत्ति नहीं होने देता, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है, एक दो गर्भ को नष्ट कर देता है। पेट से संबंधित समस्या, पेट में जलन की समस्या ज़्यादा ये देता है। तो मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि, हालांकि ये अष्टम दृष्टि विवेक बुद्धि और विद्या के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, इनकी रीजनिंग पावर काफ़ी मजबूत होती है, तर्क शक्ति, ये एक तरह से तार्किक होते हैं, इतने तर्कपूर्ण से किसी भी प्रश्न का जवाब देते हैं कि उनकी काट नहीं होती। लेकिन वही संतान उत्पत्ति में और प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न करता है।
लेकिन जनरली दशम भाव में विराजित मंगल अशुभ फल नहीं करता, यद्यपि वो यहाँ पर शत्रु क्षेत्र ही क्यों ना हो, नीच का ही क्यों ना हो। अब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा तो एक अलग स्थिति है, लेकिन जनरली यहाँ पर अशुभ फल मंगल नहीं करता।